क्लास 7 इंग्लिश चैप्टर नंबर 7 थर्ड पार्ट. ओके, उसके बाद क्या हुआ कि जब प्रॉस्पेरो ने देखा कि मिरेंडा और फर्डिनेंड एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, तो उसने फिर अपनी स्पिरिट को बुलाया और उसने कहा ठीक है अब तुम जाओ और जो मेरे दो दुश्मन हैं यानी उसका भाई और किंग ऑफ नेपल्स जिन्होंने मिलकर उसका राज छीना, तो उसने कहा जाओ तुम उनको लेके आओ. पहले उसने पूछा एरियल से कि बताओ उनका हाल क्या है. तो एरियल जो स्पिरिट थी वो हंसने लगी, उसने कहा अरे ये लोग बिल्कुल मरे के समान हो गए हैं, बड़ी मुश्किल से वो लोग किनारे तक पहुँचे हैं, भूखे हैं, बहुत ही ख़राब दशा में हैं. ये सुन के प्रॉस्पेरो ने कहा ठीक है उनको इनको मेरे पास लेके आओ. फिर एरियल गया उन दोनों को यानी किंग ऑफ नेपल्स और जो प्रॉस्पेरो का भाई था एंटोनियो उसको लेकर आया, और उसका जो वफादार नौकर था गोंसालो जो जिसने 12 साल पहले प्रॉस्पेरो की मदद करी थी, वो तीनों को लेकर एरियल वहाँ पे आया. तीनों जब सबने एक दूसरे को देखा तो पहचान नहीं पाए क्योंकि प्रॉस्पेरो का हुलिया बिल्कुल बदल चुका था, उसके लंबे लंबे बाल थे, कोट पहने था. लेकिन फिर क्या हुआ, सबने एक दूसरे को पहचान लिया और दोनों ने माफ़ी मांगी. किंग ऑफ नेपल्स और प्रॉस्पेरो के भाई ने उससे माफ़ी मांगी, उसने कहा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका राज ले लिया था लेकिन अब आप हमारे संग चलिए और चल के वहीं रहिए. और प्रॉस्पेरो ये सुन के बहुत ही खुश हुआ क्योंकि अब उसको उसका राज मिल गया था, और उसकी सबसे अच्छी बात उसकी बेटी की शादी किंग ऑफ नेपल्स से होने वाली थी. अगली सुबह उसने क्या किया, अपनी सारी मैजिक की बुक्स को इकट्ठा किया, जला दिया, और वो सब खुशी खुशी वापस अपने ड्यूकडम में वापस आने लगे मिरेंडा और फर्डिनेंड की शादी के लिए. लेकिन उससे पहले प्रॉस्पेरो जो एरियल जो उसकी स्पिरिट का हेड था उससे उसने कहा कि तुम बहुत ही अच्छी स्पिरिट हो, तुमने इतने साल मेरा साथ दिया है और मेरे कामों को किया, इसलिए अब मैं तुम्हें फ्री करना चाहता हूँ और तुम आज से आज़ाद हो. और ऐसा करके उसने उस स्पिरिट को जिसका नाम एरियल था उसको आज़ाद कर दिया, और एरियल जो स्पिरिट थी वो सुन के बहुत खुश हुई और वो गाना गाते हुए वहाँ से चली गई. ओके, नाउ डू द वर्ड मीनिंग्स इन योर नोटबुक एंड डू द एक्सरसाइज एंड मार्क द क्वेश्चन एंड आंसर.